Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों में से एक वोडाफोन आइडिया अपना कर्ज कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। वीआई ने अपने पेंडिंग ड्यूज को क्लियर करने के लिए अपने प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू करने का प्लान बनाया है, लेकिन इस प्लान को लेकर अब एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं विस्तार। वीआई ने अपने वेंडर्स के लिए और अधिक शेयरों की पेशकश करने का प्लान बनाया है। इस लिस्ट में प्रमुख तौर पर नोकिया और एरिक्सन है। ये ऑफर वीआई अपने ऑपरेशनल ड्यूज यानी अपने ऊपर मौजूद कर्ज को कम करने के लिए ला रही है। टेलीकॉम कंपनी के बोर्ड ने 14.80 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 166 करोड़ शेयर जुटाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रेफरेंशियल आधार पर कुल 2,458 करोड़ के शेयर जुटाए जा सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि कंपनी नोकिया सॉल्यूशंस और नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1520 करोड़ रुपए के कुल 102.7 करोड़ शेयर आवंटित करेगी और बाकी के 63.37 करोड़ शेयर एरिक्सन को दिए जाएंगे, जिसकी वैल्यू होगी 938 करोड़ रुपए। वोडाफोन के बोर्ड ने 10 जुलाई को अपनी कंपनी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी ईजीएम बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस प्लान के जरिए टेलीकॉम कंपनी सितंबर तक 1140 करोड़ और 703.5 करोड़ के पेमेंट्स नोकिया और एरिक्सन को करेगी। जेपी मॉर्गन की माने तो नोकिया और एरिक्सन को दिए गए प्रेफरेंशियल शेयर्स से जुटाई गई धनराशि का इस्तेमाल उनके बकाए के आंशिक भुगतान के लिए किया जाएगा, लेकिन आगे और डाइल्यूशन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वीआई का हालिया कैपिटल रेज नए कैपेक्स के लिए निर्धारित है। इसलिए आने वाले समय में ऑपरेशनल ड्यूज चुकाने के लिए वेंडर्स के डाइल्यूशन और इक्विटी स्वैप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे प्लान में कितना दम है ये समझेंगे, लेकिन पहले चलिए अब बात कर लेते हैं वीआई पर कर्ज के अमाउंट की। वीआई पर टोटल पेएबल अमाउंट लगभग 20,000 करोड़ है, जिसमें 13,731 करोड़ ट्रेड पेएबल अमाउंट है और हाल ही में जुटाई गई 24,000 करोड़ इक्विटी कैपिटल का उपयोग केवल 4G कवरेज का विस्तार करने के लिए और 5G नेटवर्क शुरू करने के लिए नए कैपेक्स के लिए प्रस्तावित है। ट्रेड पेबल्स आमतौर पर नेटवर्क गियर सप्लायर्स और टावर फर्मों जैसे वेंडर्स के वीआई पर कर्ज को दर्शा रहा है। ईडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जानकारों की माने तो प्रेफरेंशियल शेयर के इश्यू से पहले वीआई और एरिक्सन का 1200 करोड़ और नोकिया का 3000 करोड़ का कर्ज है, और इस इश्यू के बाद वीआई में नोकिया का 1.5% और एरिक्सन का 0.9% का स्टेक हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इन शेयरों के इश्यू के बाद वीआई में अब तक एक बड़ा स्टेक रखने वाले वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप के पास आखिर क्या बचेगा। वीआई के इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो कंपनी में 23.8% स्टेक सरकार का है, वोडाफोन ग्रुप का स्टेक 23.2% और आदित्य बिरला ग्रुप का स्टेक 15% है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो पिछले कुछ महीने से यह अपने एफपीओ की वजह से भी लगातार फोकस में बना हुआ है। इससे पहले वोडा आइडिया ने प्रमोटर कंपनी से 2000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके साथ ही निवेशकों का रुझान और भी पॉजिटिव तब बना जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगस्त में रिव्यू के दौरान ये MSCI के इंडेक्स में शामिल हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही में कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 0.7% की बढ़त के साथ 146 रुपए पर रहा है। कुछ मार्केट्स में एंट्री लेवल प्लान में बढ़ोतरी और 4G डेटा सब्सक्राइबर्स जुड़ने से ऐसा हुआ था। चौथी तिमाही में कंपनी का कुल घाटा बढ़कर 7,675 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले तिमाही में 6,986 करोड़ रुपए था। पूरे वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो कंपनी का घाटा 31,238 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 29,301 करोड़ रुपए ज्यादा है। हाल ही में एक खबर भी आई थी कि वोडाफोन ग्रुप भारतीय टावर ऑपरेटर कंपनी इंडस टावर्स में अपने पूरी हिस्सेदारी को बेचने का विचार कर रही है। आपको बता दें कि वोडाफोन ग्रुप इंडस टावर्स कंपनी में कुल $2.3 बिलियन की हिस्सेदारी रखती है, और खबरों के मुताबिक वो एक ब्लॉक डील के जरिए इस हिस्सेदारी को बेचने की योजना बना रही है। इस ब्लॉक डील के बाद मिले पैसे का इस्तेमाल अपने कर्ज को कम करने के लिए कंपनी करना चाहती है। सोर्सेस के मुताबिक ये डील मैनेज करने का काम बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली और BNP परिवास को दिया गया है। हालांकि इस डील को लेकर अब एक और खबर भी सामने आई है। एनालिस्ट का कहना है कि इंडस को वीआई से अपने पुराने बकाए की वसूली में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा,
ये बकाया इंटरेस्ट के साथ करीब 10,000 करोड़ का है। बाजार के जानकारों का कहना है कि वीआई पिछले बकाए के बदले में इंडस को शेयर जारी नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडस में करीब 48% हिस्सेदारी एयरटेल के पास है और अगर वीआई और इंडस की डील होती है तो सुनील मित्तल की स्वामित्व वाली कंपनी की वीआई पर इनडायरेक्ट ओनरशिप हो जाएगी और इंडियन टेलीकॉम लॉज के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि वीआई में निवेशकों की रुचि बढ़ने की भी खबरें हैं। बाजार में इस टेलीकॉम कंपनी को लेकर चर्चा तेज है। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 14 जून को वीआई के शेयरों में लगभग 4.5% की तेजी देखी गई थी। कंपनी का स्टॉक 16 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। बीते एक महीने की बात की जाए तो शेयर ने 26.72% का रिटर्न दिया है। बीते एक साल में शेयर ने 120.92% की तेजी दिखाई है। माना जा रहा है कि वीआई पर इस समय दोहरा दबाव है। एक तरफ कंपनी अपना यूजर बेस बनाना चाहती है, दूसरी तरफ अपने ऊपर बने हुए कर्ज को भी घटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन अगर वीआई नोकिया और एरिक्सन को प्रेफरेंशियल शेयर्स दे देती है तो कंपनी के ऊपर का कर्ज तो उतर जाएगा, लेकिन रिवाइवल के बाद आखिर इस कंपनी की कमान किसके हाथों में रह जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहे मिस्तक। मिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। मिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।